नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ टमाटो ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूँगी। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और इसे बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा और रेसिपी कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 अंडे। तो चलिए शुरू करते हैं। टमाटर को हमने पहले धो लिया है, अब हम टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो ऊपर के पार्ट को अलग कर देंगे। पहले हम लंबाई में इस तरीके से काटेंगे। जितना छोटे आप कर सकते हो उतना छोटे टमाटर के पीस करना है हमें। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो आप देख सकते हैं मैं कितने छोटे छोटे पीस कर रही हूँ। तो इसी तरीके से दोनों टमाटर को हम काट लेंगे। टमाटर को काट लिया है, अब हम एक बाउल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम एक अंडे इसमें तोड़ के डालेंगे। अंडे डालने के बाद डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच से भी कम हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, एकदम छोटे छोटे चॉप करके हम डालेंगे 2 चम्मच प्याज, डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और डालेंगे हम लास्ट में 2 चम्मच मैदा। छोटे चम्मच के 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे। अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। एक पैन में हम ले लेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हम पहले अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा मीडियम गरम हो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे कर देंगे और जो टमाटर अंडे का बैटर हमने तैयार किया था वो डालेंगे। डालते टाइम गैस का फ्लेम हम लो पे रखेंगे। चम्मच से हम थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके पैन को कवर करके 2 से 3 मिनट ऑमलेट को पकने देंगे। उसके बाद हम पलट देंगे। 2 मिनट बाद यहाँ पे डालेंगे हम 2 चीज़ स्लाइस, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा करके। चीज़ डालना इसमें ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने चीज़ स्लाइस को ऐसे टुकड़ों में कर लिया है, इस तरीके से रखेंगे। और फिर से पैन को कवर कर देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। चीज़ डालने के बाद गैस का फ्लेम अभी भी हम लो पे रखेंगे और चीज़ के मेल्ट होने तक हम इसे ऑमलेट को ढक के पकाएंगे। 2 मिनट बाद ऑमलेट हमारा नीचे से अच्छे से फ्राई हो चुके। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और ऑमलेट को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। इसे आप अपने मनपसंद शेप में काट के सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे खाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ अपने दोस्तों में मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल में अगर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।